please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात के भरूच में एक टोल बूथ पर कुछ बदमाश हाथों में डंडे लेकर तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने टोल बूथ के कर्मचारी से मारपीट की और कैश लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बदमाश हाथों में डंडे लेकर केबल ब्रिज पर बने टोल बूथ की खिड़की से अंदर बैठे कर्मचारी को पीटते दिखे। इसके बाद बदमाशों ने टोल बूथ के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। इस बीच बूथ के अंदर मौजूद कर्मचारी बुरी तरह डर गया और बदमाशों के आगे हाथ जोड़ने लगा। इसके बाद बदमाशों ने उससे पैसे मांगे, जिस पर टोल कर्मचारी ने उन्हें कुछ पैसे भी दिए, लेकिन फिर बदमाशों ने बूथ के अंदर आकर पूरे पैसे लूट लिए। टोल बूथ पर हंगामे के बाद बदमाश टोल बूथ के ऑफिस के अंदर पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों को डंडे से पीटने लगे। कुछ देर तक हंगामा करने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी के कई नेताओं से मिले। महाराष्ट्र के मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक से पहले खुद सीएम ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। राजस्थान के अजमेर में पांचवी की परीक्षा के दौरान एक स्कूल पर छात्रों को जमीन पर बैठाकर एग्जाम लेने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुराने विवाद की वजह से एक नाबालिग लड़की की तलवारों से हत्या कर दी गई। राजस्थान के बीकानेर में मौसम में अचानक बदलाव के बाद धूल भरी आंधियां चली और बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक फ्लाईओवर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कार में आग लग गई। मध्य प्रदेश के सागर में नाबालिग के साथ कुछ बदमाशों ने छेड़छाड़ की और इसका विरोध करने पर उसे और उसके परिवार वालों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के गुना में जंगलों के एक इलाके में एक दिव्यांग का शव मिलने से सनसनी मच गई। राजस्थान के झुंझुनू जेल में डीएसपी मोइनुद्दीन पठान की जांच में कैदियों के पास मोबाइल मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद इस मामले में डीएसपी ने केस दर्ज करवाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान देते हुए कहा कि वो मोतिहारी में आकर बिहार में दंगा कराना चाहते हैं। राजस्थान के चुरू में एक लड़के पर 14 साल की एक नाबालिग का 2012 में अश्लील वीडियो बनाकर 6 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास माझा बरहेटा में 500 एकड़ जमीन पर न्यू अयोध्या बसाने के प्रोजेक्ट को लेकर फैजाबाद विकास प्राधिकरण की बैठक 13 अप्रैल को होगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जल्द ही टॉय ट्रेन के साथ दो एसी डिब्बे जोड़ने की तैयारी में है।